अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ है, क्रिकेट से मुंसलिक हूँ और मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली एक पाथवे है, आपने एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी है पहले और उसके बाद क्लब क्रिकेट खेलनी है, एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी है अंडर 19, अंडर 16 और फिर होपफुली फर्स्ट क्लास, और आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद आप रीजनल क्रिकेट खेलते हैं। तो एक वो एक प्रोसेस है विच इज़ परफेक्टली फाइन। अब होता यह है कि आपने यू हैव टू मेक अ फ्यू टफ कॉल्स। आपने एज अ चाइल्ड आपने 16-17 साल की उम्र में डिसाइड करना है कि यार मैंने लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो अगर आप मेरी तरह 16 साल की उम्र में डिसाइड कर देते हैं यार मैंने इमरान खान बनना है, तो अब उसमें जो चैलेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैं 16 साल में अंडर 19 डोमेस्टिक में इस्लामाबाद से खेला, तो उसके बाद एक आपको होता है कि यार मैंने सारी एनर्जी क्रिकेट में लगा देनी है और पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप टीन एज में होते हैं और आपके पेरेंट्स स्पेशली, आप लोगों को एक चीज़ तो फर्म रखनी चाहिए कि जो क्रिकेट है वो आपका प्लान बी होना चाहिए। क्रिकेट प्लान बी होना चाहिए, पढ़ाई या जो कुछ भी करना चाहते हैं आप, जैसे कुछ कोई स्किल सीखना चाहते हैं सीखें, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो आपका प्लान बी होना चाहिए। उसके रीज़न मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। उसके रीज़न ये हैं कि फर्स्ट रीज़न ये है कि क्रिकेट में जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्रिकेट में आप क्या चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते? क्रिकेट में आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने आपको कितना टैलेंट दिया है। ठीक है, क्रिकेट में आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि आप अगर एक टाइम में एक विकेट कीपर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस टाइम 2-3 अच्छे विकेट कीपर मौजूद हैं उस इलाके में, तो आपका आगे बढ़ने का चांस वैसे ही कम हो जाएगा, जिस तरह होता है हर मुल्क में होता है, हर जगह होता है। सिमिलरली अगर आप ऑलराउंडर हैं उस टाइम 2-3 अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो फिर आपको ब्रेक इन करने का चांस मुश्किल हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी इज़ टाइमिंग एज वेल, वो ऑब्वियसली हर किसी को उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती डिस्पाइट बीइंग टैलेंटेड। ठीक है, तो ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्डली ये कि क्रिकेटर्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, 15 साल 10 साल 12 साल आपने खेली क्रिकेट, और उसमें भी खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई मेजर इंजरी हो जाए या आपको एक्सीडेंट हो जाए, कोई आके आपको टक्कर मार जाए फॉर एग्जांपल, गाड़ी में मार जाए, आप टांग टूट जाए, खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग इस तरह का कुछ हो जाए, तो आपकी जो क्रिकेट की स्किल है ना वो फिर आपको कुछ नहीं देती। सिमिलरली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कि आपको आपको आपका दिमाग चाहिए ना, तो बाकी छोटी मोटी इंजरीज होती भी रहें तो डजेंट मैटर। और क्रिकेटर में डिसएडवांटेज ये है कि जब आप 40 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, तो आप क्रिकेट करियर आप डाउनहिल हैं, आप तकरीबन क्रिकेट आपकी ख़त्म हो रही है। अब उसमें मेन इशू ये है कि उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है, वैसे अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर, और आपने 20 साल मेडिसिन की है, या 20 साल आपने लॉ किया है, या 20 साल आपने अकाउंट्स किए हैं, कुछ भी आपने 19-20 साल कुछ किया है, तो 40 साल की उम्र में आपकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्रिकेट में वो चीज़ काउंट नहीं होती। ठीक है, और सेकेंडली ये कि अगर आप देखें क्रिकेट में या कंपेरिजन करें क्रिकेट का किसी भी और चीज़ के साथ, तो हर साल जो है वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 25-30 मैक्सिमम नए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर निकलते होंगे। सही है, उसी दौरान अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, उसी तरह आपके पास 300-400 सिविल सर्वेंट्स जो CSS करके निकलते हैं हर साल निकलते हैं। तो इन कंपैरिजन अगर आप देखें तो क्रिकेटर जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी जो है ना वो कम है इन कंपैरिजन। वेरियस अगर आप क्या कहते हैं कुछ भी और काम करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। सेकेंडली ये कि एज ए क्रिकेटर आप क्रिकेट करियर के बाद मोस्ट लाइकली क्या कहते हैं कोचिंग में आ सकते हैं, लेकिन अगेन कितने अगर मतलब उसी हिसाब से देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ कोचेस की कितनी है, तो वो भी उसी हिसाब से कम है। तो मैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर ही आऊँगा कि यू मेक श्योर कि आपके पास कोई स्किल है, कुछ भी हो, मतलब अब तो माशाल्लाह
कि कहते हैं यूट्यूब पे आपको और ऑनलाइन आपको इतनी स्किल सेट्स आप सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का कमी होगी। लेकिन मेनली इशू ये होता है कि हम लोग क्रिकेट की तरफ ही लगे रहते हैं एंड इन दी एंड इट्स टू लेट, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद आप करियर चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो वापस इसी बात पे आऊँगा, सॉरी पीछे कोई मेरे ख्याल में समझा कोई बच्चे आ रहे। अच्छा, अब आपने जो क्रिकेट को पढ़ाई के साथ चलाना है वो किस तरह चलाना है ना, तो एक एक बड़ा कॉमन पाकिस्तान में वो है कि आपको 5 से 6 दिन या 7 दिन ट्रेनिंग करनी है, और पाकिस्तान में ज़्यादातर सिटीज़ में इसी तरह होता है, नेट्स लगे होते हैं और बच्चे हमारे सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते रहते हैं। पर्सनली मुझे, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ कि 7 दिन ट्रेनिंग करने से आपको कोई मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से। एनीवेज, मैं कोचिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ काफ़ी अच्छे से और काफ़ी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ, न्यूजीलैंड में भी काम किया है और बाहर भी किया है। बेसिकली ये है कि जिस तरह न्यूजीलैंड है फॉर एग्जांपल, अगर कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से ना, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 6 महीने क्रिकेट खेलते हैं और विंटर में विंटर स्पोर्ट्स करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, और हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं। मैं एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल हैं वो तो खेलते हैं जिस तरह खेलते हैं। तो अब मसला ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक तो 6-7 दिन ट्रेनिंग करते हैं, 4-5 घंटे के लिए चले जाते हैं ट्रेनिंग करने, क्लब्स वालों को भी थोड़ी सी, अब जो चला रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि यार ये जो बच्चे हैं 14, 15, 16, 18 साल के, इनको 7 दिन ना बुलाया करें, और क्या कहते हैं, अगर 7 दिन बुलाने से फ़र्क पड़ा होता तो अभी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर ना होती, सही है। और ये छोटा सा मुल्क है लेकिन यहाँ पर मतलब उतनी ट्रेनिंग नहीं करते जितनी हम लोग करते हैं। अगर ट्रेनिंग से फ़र्क पड़ता है एज ए सेड, तो फिर या तो पाकिस्तान की टीम को आउटस्टैंडिंग होती तो आप कह सकते हैं कि यार हम ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा अच्छे। तो आई थिंक ये मैथ है जो एटलीस्ट एमेच्योर क्रिकेटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। एमेच्योर क्रिकेटर्स को इन्जॉय करना चाहिए क्रिकेट को, हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग करें, बहुत ज़्यादा 3 दिन ट्रेनिंग कर लें, एक आध मैच खेल लें, दैट्स इट। तो पेरेंट्स को मैं ये गाइड करूँगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पाकिस्तान में मैंने देखा है, हमारे जो बच्चे हैं वो लेट टीन एज में या फिर जो क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं ट्रेनिंग के अलावा। अच्छा, वो अजीब सी चीज़ है और सिमिलर पैटर्न है पूरे पाकिस्तान में, जो आपके क्लब चला रहे होते हैं या क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे होते हैं वो लोग, बैठक होती है हर सिटी में, एक आध बैठक होती है, या तो स्पोर्ट्स शॉप होगी या किसी की पान की दुकान होगी या फिर किसी के कुछ भी हो सकता है, वीडियो की शॉप होगी, ये कुछ भी होगा एनीवेज। तो होता ही है कि हमारे जो बच्चे हैं उधर जाके ट्रेनिंग के बाद 3-5 घंटे बैठते हैं और आ जाते हैं। अब घर से आपको ये पता होता है कि यार वो ट्रेनिंग करने गए हैं, 4 बजे जाते हैं, 6-7 बजे। अब भाई आपको भी थोड़ी सी अकल करनी चाहिए कि यार अंधेरे में कौन सी ट्रेनिंग होती है ना, मतलब एक क्लब है जिसने जिसके पास मतलब फ्लड लाइट्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बस 7 बजे ख़त्म हो गया तो 7:30 तक आप घर आ जाएं। अब वो जो बच्चे हमारे 3 घंटे वहाँ जाया करते हैं ना, उसको मैं क्रिकेट की आवारागर्दी कहूँगा। तो उसमें होता ये कि ठीक है आप कंपनी इंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप टाइम बहुत ज़ाया करते हैं उसमें, और वो टाइम जो है ना वो आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव उसमें लगा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो डाउन साइड है वो पाकिस्तान में वो ये होती है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और आप घर वालों को बता रहे होते हैं कि यार मैंने, और स्पेशली आपके घर वालों को अगर क्रिकेट के बारे में स्ट्रक्चर का इतना नहीं पता, तो सबसे बड़ी ये बात होती है कि वो आपके रहमो करम पर होते हैं, जो बच्चा जो भी कहेगा वो समझेंगे कि सही कह रहे हैं ना। अब होता ये है कि वो कहते हैं यार सारे बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी या सारे ने ये कर दिया वो कर दिया, वो 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, तो अगर मैंने उन जैसा होना है, अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मैंने ये भी करना है। तो आई डिसएग्री विद इट 100%। बिल्कुल आप अपने बच्चों को पढ़ाई ना छुड़वाएं किसी भी सूरत में, आप उनको क्रिकेट के साथ साथ कोई ऐसा स्किल सेट सिखा दें जो शायद उनको बाद में काम आ रहा है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर ना आप उनको पढ़ाई का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि लकीली मैंने कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ के ही बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे और बड़े अच्छे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने किया, और वो थोड़ा सा मेरे से शायद उन्होंने लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल की। तो बाकी इंशाल्लाह मैं
एक आध और वीडियो बनाऊंगा जब तक हमारा इधर न्यूजीलैंड में लॉकडाउन चल रहा है। तो क्या कहते हैं, होपफुली इससे आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।